राजस्थान के कोटा में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1,65,000 रुपए नगद जब्त किए। मामले के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन सख्त है, इसी के तहत सुरथाक पुलिया पर नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान एक कार को रोका गया और उसकी चेकिंग की गई। इस दौरान कार से लाखों रुपए बरामद हुए। जब इन रुपयों के बारे में कार चालक प्रदीप नामा से पूछा गया तो उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, जिसके बाद यह राशि बरामद कर ली गई है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट।